भजन संहिता अध्याय 143 भजन संहिता अध्याय 143 हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे ढेर दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे के स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे कामों को सोचता हूं। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं, सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूं। हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है, मुझसे अपना मुंह न छिपा। ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, और हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं।